नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सचिन पायलट ने तो बगावती सुर अपना ही रखे हैं और अशोक गहलोत पर लगातार निशाना भी साध रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत के ही कुछ मंत्री हैं जो उनको उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ, वो भी लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं और अशोक गहलोत की मुश्किलें इसी सिलसिले में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो राजस्थान में लगातार सियासी संकट जारी है। सचिन पायलट के बाद अब मंत्री खाचरियावास जो है वो सीधे तौर पर अशोक गहलोत पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर विवादित बयान दिया है। खाचरियावास ने कहा कि मैंने अभी गहलोत साहब से कहा, अब सिर्फ मेरी जान बची है, मैं पूरी कैबिनेट का दिल निकाल कर आपको दे दूंगा, फिर भी आप कहेंगे मजा नहीं आ रहा। आदमी मर भी जाए तो मजा नहीं आता, अब मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ, इसका कोई इलाज नहीं है। खाचरियावास रविवार को एक प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ये बातें कही। हालांकि खाचरियावास ने गहलोत को लेकर ये बयान क्यों दिया ये अभी साफ नहीं हो सका है, लेकिन मंत्री के बयान के बाद ये जरूर संकेत मिल रहे हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव है, मुख्यमंत्री समेत पार्टी आलाकमान भी एकजुटता पर बल दे रहा है और नेताओं के बयान पार्टी और सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। आपको बताते चले, मंत्री खाचरियावास खुद कई मौकों पर साफ कर चुके हैं कि वो सचिन पायलट के करीबी हैं, ऐसे में उनके बयान के मायने निकाले जाने लगे। दरअसल राजस्थान में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पायलट को पता है कि राज्य में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव है, ऐसे में वो अपनी दावेदारी का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। उधर गहलोत भी दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। दरअसल 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही गहलोत और पायलट के बीच खींचतान चल रही है, तो लगातार जो सियासी घमासान है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। हाल ही में पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ एक दिन का धरना दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य की गहलोत सरकार ने वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो लगातार अशोक गहलोत पर सचिन पायलट जो है वो निशाना साधते हुए नजर आए और लगातार ये बात भी कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा था वसुंधरा राजे की सरकार में, वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने उस पर कार्रवाई नहीं की और सीधे तौर पर बीजेपी से साठगांठ करने का भी आरोप लगाया। इसी मामले पर कांग्रेस पार्टी जो है वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अशोक गहलोत का समर्थन कर रही है, यानी कि अपनी सरकार का समर्थन करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट को इस वक्त दरकिनार किया जा रहा है। ऐसे में मंत्री खाचरियावास का जो बयान है वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। सचिन पायलट के करीबी तो है ही, लेकिन अशोक गहलोत पर लगातार निशाना साधते रहते हैं। अब इन बयानों के क्या कुछ मायने हैं वो आने वाले समय में देखना होगा। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट9 न्यूज़।